जो बालीडी बालीडी थाना में पदस्थापित एक चौकीदार शिवनाथ हाजा, इनका मोबाइल पर एक कॉल आया था। उसमें अपने आप को जो स्टेट बैंक का मैनेजर बता के उनके बैंक खाता का जानकारी, एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर मांग किया था। फिर उसी के माध्यम से वो पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर को यूज़ करके उसी उनके खाता से अराउंड 40,000 रुपया का साइबर अपराधियों द्वारा विथड्रा किया गया। उसके बाद 26 फरवरी और 27 फरवरी का भी चास थाना में और माराफरी थाना में भी ये सेम मोडस ऑपरेंडी का एक केस दर्ज हुआ था। इस संबंध में ये साइबर सेल के माध्यम से एक विशेष टीम गठित करके हम लोग ने इसमें काम किया था। तो ये तीनों घटना में एक ही गैंग का संलिप्तता पाया गया है। उसी के संबंध में एक विशेष छापामारी दल गठित किया है। उसी छापामारी दल के द्वारा दुमका जिला में जरमुंडी थाना अंतर्गत ये जो सभी साइबर अपराधी कर्मियों हतनवा गांव के रहने वाला ये पता चला है। वहां पे छापामारी के दौरान 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुआ है। उनके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया सिम, मोबाइल नंबर और लैपटॉप और उसके अलावा एटीएम कार्ड, पासबुक, ये सारी सामान बरामद किया है। जिसमें ये जिन नंबर के माध्यम से वो फ़ोन किया था उसी का सिम भी और बाकी जो लैपटॉप में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करता था वो भी हम लोग का मिला है। इसमें जो माराफरी थाना में 50,000 रुपया जो ठगी किया था वो रुपया भी जो कंप्लेनेंट का खाता में ट्रांसफ़र हो गया है। बाकी इसी में जितनी भी गैंग इन्वॉल्व है उसी के पूरा गैंग के बारे में भी पता चला है और 10-15 लोग का और नाम आया है। इस तीनों केस का उद्भेदन हुआ है। तीनों टीम का नेतृत्व डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ चास के नेतृत्व में ये छापामारी दल और जांच दल काम कर रहा था। इसीलिए अभी ये बाकी लोग का भी गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं और जो पैसा धारक के खाता से जो विड्रॉ हुआ है उसी को भी रिफंड करने के लिए भी प्रयासरत है।